से कोई लड़ाई ना कीजिए। आतंकवादी हो तो लड़ो, तुम्हारा पड़ोसी कुछ कहे तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनों से क्या लड़ाई करना। तुम्हारा पड़ोसी 3-5 करे तो 4 जूता जमा, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने भाई से झगड़ा नहीं, अपनों से झगड़ा नहीं। बोलो हां। अच्छा ये बताओ, कोई आपको गाली दे तो आप भी उसको गाली देंगे क्या? यदि देंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए ये जो मैं बातें कर रहा हूं सिर्फ रिश्तों की कर रहा हूं। अपनों के बीच में कोई अपमान कर दे तुम्हारा तो उत्तर ना दो। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर देने से लाभ क्या। कई बार आप लोग सड़क में चलते हैं, कोई गाड़ी से जरा सा धक्का लग गया तो सामने वाला लड़ने लग जाता है, तो कितनों से लड़ोगे, कितनों से मुंह जवान लड़ाओगे, फायदा क्या? इसलिए भैया ठीक है चलो, कोई उत्तर नहीं, क्या करें। जहां लड़ने का हो ना तो फिर तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज बन के लड़ना, जहां जरूरत पड़े शिवाजी बन के लड़ना, जहां जरूरत पड़े। और जहां जरूरत ही नहीं है तो वहां लड़े जा रहे हो, सास से लड़े जा रहे हो, मां से लड़े जा रहे हो, यहां का जरूरत। एक बार क्या हुआ, एक हैदराबाद में एक सोसाइटी में कोई आदमी गांव का आया और एक बढ़िया सोसाइटी में रहने लग गया। बगल में बड़े अच्छे लोग रहते थे, वो था गांव का। अब वो शहर का आदमी था पड़ोसी और गांव का आदमी था पड़ोसी। तो शहर का जो आदमी था उसको लगा कि ये आया है नया नया। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना अपने पड़ोसियों को परेशान करना, तो वो ना परेशान करने लगा अपने पड़ोसी को। तो वो अपने घर में झाड़ू लगाए और सारा कचरा ले जाके पड़ोसी के घर में डाल दिया। अब वो गांव से आया बेचारा भोला भाला, सबको ज्यादा जानता नहीं, उसने झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला और अपने घर से अनार, केला, सेब, आम, फल की टोकनी तैयार की और बगल वाले के घर में जाके बैल बजाई। उसने दरवाजा खोला, उसको लगा लड़ने आया क्योंकि मैंने कचरा डाला। इसने कहा, भाई साहब ये फल आए हैं हमारे गांव से, ताजे हैं, खाओ, बच्चों को खिलाना, बड़े अच्छे आम हैं, गांव के हमारे बगीचे के आम हैं। वो आदमी पानी पानी हो गया। उसने कहा, भाई एक बात बताओ, मैंने तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल दे रहा है। तो उस गांव के भोले आदमी ने कहा, भैया आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होता है, जिसके पास जो होता है वो वही देता। यदि आप मेरे पास कथा है, जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूं। अब आप किसी शराबी के पास जाओ तो वो आपको गाली देगा, क्योंकि बेचारे के पास गालियां ही हैं, सारी जिंदगी उसने गालियां इकट्ठी की, तो वो आपको ठीक गाली दे रहा है। मैया आपको कोई गाली दे तो बुरा ना मानना, बेचारा कम से कम कुछ ले नहीं रहा है, तुम्हें दे ही रहा है। उसके पास जो है बेचारा वो दे रहा है। आप देखो ना, आप आलू वाले की दुकान में जाएंगे तो आलू वाला आपको आलू देगा, टमाटर वाला टमाटर देगा, सोनार की दुकान में जाएंगे तो सोना देगा। जिसके पास जो है वो आपको देगा, जौहरी के पास जाओगे हीरा दिखाएगा। बस यही है, बस आपके पास क्या है ये बताओ। क्या आपके पास गालियां हैं? इसलिए कोई आपको गाली दे तो बदले में गाली नहीं, जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसलिए जो आपके लिए बुरा सोचे उसके लिए आप बुरा ना सोचे, क्योंकि हिसाब करने वाले भगवान है, अंत में होगा, बचेगा कोई नहीं।